हम बना रहे हैं तवा भिंडी। तो इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। हमने भिंडी को धो के सुखा के बीचों से लंबे आकार में काट के ले लिया है और नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा साबुत, आधा चम्मच साबुत धनिया दरदरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और बनाने के लिए सरसों का तेल। अब हमने गैस पे तवा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये इसमें बहुत ही कम तेल लगता है, कम तेल में ही अच्छे से सब्जी बन जाती है भिंडी की। तब हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने साबुत जीरा लिया हुआ है उसको डाल देंगे और जो हमने साबुत धनिया लिया हुआ है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे इसमें तेल में। अब ये हमारा जीरा और धनिया अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने भिंडी काट के ली हुई है लंबे आकार में, इसको। और इसमें हम डालेंगे जो हमने मिर्च ली हुई है, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला, ये सब इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप भी ये भिंडी की सब्जी बना के देखना, तवे पे बहुत ही स्वाद भिंडी बनती है और इसमें लेस भी नहीं आती है, एकदम करारी भिंडी बनती है। अब हम इसको ऐसे करके खुले में ही 5 मिनट तक पकाना है इसको, बीच बीच में ऐसे हम हिलाते रहेंगे। अब हमने भिंडी को 5 मिनट तक अच्छे से ऐसे पका लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे क्योंकि इसमें नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये हमारी तवा भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। देखो इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं आई है, हमने खुले में पकाई है। अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी प्लीज़ जरूर बना के खाना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।